जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र दाबकट्टा के आश्रित ग्राम जलिनकसा के ग्रामीण पानी की विकराल समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के सभी हैंडपंप पूरी तरह से सूख चुके हैं, लिहाजा वो अब झिरिया का दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि गंदा पानी पीने के चलते अब तक कई लोग बीमार भी पड़ चुके हैं, लेकिन कोई और विकल्प न होने के चलते ये गंदा पानी पीकर ही वो अपनी प्यास बुझा रहे हैं। ग्रामीण के मुताबिक पानी की समस्या को लेकर वे कई बार जिम्मेदारों से भी मिल चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। वहीं ग्रामीण अब पूरी तरह से थक हार कर निराश हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें कहीं से उनकी समस्या का हल होता नजर नहीं आ रहा है। और अधिक जानकारी से समाचार जुड़ गए हैं सुशील सलाम। सुशील, जिस तरीके से यहां पर गंदा पानी पीने के लिए, झिरिया का पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं, यहां के जनप्रतिनिधि का क्या कुछ कहना है और प्रशासन का क्या कुछ कहना है कि अब तक इन लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? जी बिल्कुल दीपक, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कांकेर जिले के भानुपरापुर कारखाना का मामला है, जहां पर ये ग्रामीण पिछले कई वर्षों से गंदा पानी पी रहे हैं। इन ग्रामीणों द्वारा जिला प्रशासन हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, उनके पास जाते हैं इन लोग कि गांव में अच्छे से हैंडपंप खुदाए जाए, लेकिन अधिकारी भी वही होते हैं, इन्हें आश्वासन दे देते हैं कि बहुत जल्द गांव में अच्छा से हैंडपंप खुदवा दिया जाएगा, जिससे कि साफ पानी लोगों को मिल सके, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही देते हैं, उसके आगे कुछ करते ही नहीं, जिसे लेकर घरों में खासा आक्रोश किया है और जिला प्रशासन के पास जाते हैं, जन दर्शन में जाते हैं और जन समस्या निवारण शिविर लगता है उसमें जाके आवेदन करते हैं, लेकिन आवेदन में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और यहाँ गंदा पानी पीने से इस गांव के लोग बहुत से बीमार भी हो रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि जिला प्रशासन ने उनके गांव में एक बार मुआयने के लिए भेजी भी थी और वहां सही पाया गया था जहां गंदा पानी पी रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वहां हैंडपंप खुदाई गई, न ही उन ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई और इस क्षेत्र की जनप्रतिनिधियों का भी लापरवाही मानी जाए कि क्षेत्र यहाँ बोला जाता है उन लोगों को कि आपके गांव की समस्याओं को दूर किया जाएगा, लेकिन इन ग्रामीणों की समस्याएं जी लगातार वो समस्या बनी हुई है और गंदे पानी पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन प्रतिनिधि और ना ही यहाँ प्रशासनिक अधिकारी उन्हें सुनने के लिए तैयार है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। वक्त ब्रेक से जल्द होंगे हाजिर।